अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। ये नारा बुलंद किया है रक्षित सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया, एबीपी न्यूज का एक पत्रकार, 32 साल की उम्र है, रक्षित सिंह नाम है। और रक्षित सिंह ने आज मेरठ में किसान पंचायत को कवर करने के लिए रक्षित सिंह गया था, और वहां पर मंच पर चढ़ करके रक्षित सिंह ने लात मार दी एबीपी न्यूज की नौकरी को। लेकिन वहां पर रक्षित ने जो कहा वो एक बड़ी लकीर खींच गए दूसरे पत्रकारों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। रक्षित ने कहा कि 56 इंच का ना सही, लेकिन 5-6 इंच का सीना तो मेरा भी है और किसी से डरता नहीं हूं। 4 साल का बच्चा है मेरा, सोचता है कैसे घर पालूंगा। लेकिन जब बार बार इस बात को सोचता रहा तो मन में यह ख्याल आया कि यही बच्चा जब 20 साल का होगा तब पूछेगा कि बापू, जब देश में अघोषित आपातकाल लगा था तब तू कहां था? तब मैं कहूंगा सीना ठोक करके कि मैं किसानों के साथ में खड़ा था। और रक्षित सिंह ने आज जो कहा वो देख करके, सुन करके एक बार तो रोना भी आता है कि हमारी पत्रकार बिरादरी के साथ में आज क्या कुछ को हो रहा है, कितने बुरे दिन जो है वो पत्रकार बिरादरी को देखने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाता है कि कुछ एक हमारे साथी हैं जिनके अंदर रीढ़ अभी बाकी है, उनकी रीढ़ अभी टूटी नहीं है। सुनिए आप रक्षित सिंह ने किस तरह से गोदी मीडिया के उन तमाम चेहरों को करारा तमाचा मारते हुए आज मंच से ही नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। किसी का ना सही 5-6 इंच का है, सीना है। और इस झूठ के मैं खिलाफ हूं। मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में, 1.5 महीना क्या करूं, बच्चा कैसे पालूंगा अपना, 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था, मैं कहूंगा सीने ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। भूखा मर सकता हूँ, भूखा मर सकता हूँ। हो सकता है मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले, हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चरित्र हनन होगा। फेसबुक पे जो ये इनकी सोशल मीडिया आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे, हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें। लेकिन खड़ा हूँ और सीना ठोक के खड़ा हूँ, जो करना कर लो, जो करना कर लो। सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे जेल में डालो। मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए 4 नारे लगाने का है, सुन लो। मैं यहाँ आया। रक्षित ने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल मेरी बीवी का, मेरा, मेरी माँ का चरित्र हरण करेगी, हमारे बारे में तमाम बातें कहेगी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर सच बोलना देशद्रोही है तो मैं देशद्रोही हूं, मुझे जेल में डाल दो। 32 साल का ये शख्स 12 लाख रुपए की सैलरी पा रहा था, 1 लाख रुपए से ज्यादा महीना ये व्यक्ति जो है वो कमा रहा था। लेकिन इस रिपोर्टर ने तमाम मीडिया के लोगों को आईना दिखा दिया कि तुम लोग जो घिस घिस के मर रहे हो, बगावत कर दो अगर तुम नहीं दिखा सकते। इसने कहा कि मैंने सच दिखाने के लिए इस पेशे को चुना था, अगर मैं सच नहीं दिखा सकता तो इस पेशे में रहने का मुझे कोई हक नहीं है। 12,000 रुपए से आज 12 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन 12,000 रुपए से रक्षित ने अपनी नौकरी शुरू की थी।
और बिजनौर का रहने वाला है। जयपुर में जाकर के जूते इसने घिसे। 5 साल तक बिजनेस भास्कर में नौकरी की, लेकिन आज तक 54 रुपए का कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा सकता। ये रक्षित सिंह के शब्द हैं, और ये शब्द जो हैं वो गोदी मीडिया को सालों तक उनके कानों में गूंजते रहेंगे, और आज रात को वो सो नहीं पाएंगे जिन्होंने अपने पैसे के साथ में गद्दारी करके, अपने ईमान को बेच करके जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, उन लोगों को आज रात को नींद नहीं आएगी अगर रक्षित सिंह की वो ये वीडियो जो है वो आज रात को देख करके सोएंगे तो। मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पैसे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जाना। ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है। यही लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, किसानों का धरना प्रदर्शन, किसानों का विरोध प्रदर्शन, किसानों की महापंचायतें लगातार 3 महीने से चल रही है, 250 से ज्यादा किसान मर गए हैं। आज लेकिन विपक्ष के साथ साथ ये मीडिया की मुख्य भूमिका होती है कि वो सरकार को घेरने का काम करे, कि पूछे कि आखिरकार कब तक ये लोग यहां पर बैठे रहेंगे। लाखों की संख्या में दिल्ली में रहने वाले लोग, एनसीआर में रहने वाले लोग, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन उनकी परेशानी को हल करने की बजाय आप ना किसानों से बातचीत करते हैं, ना कोई बातचीत का रास्ता निकालते हैं। हो सकता है किसानों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें 100 खामियां हो सकता है इस बात का, किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो 100% सही हो, ये मैं इस बात का दावा नहीं करता। भले ही कुछ लोग जो है वो आकर के वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे गाली दे, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं अगर उनमें 10 अच्छाइयां भी हैं तो भी मीडिया का काम यह है कि वो किसानों के साथ खड़ा हो। मीडिया किसानों की बात को उठाए और सरकार से सीधे सवाल पूछे कि आप संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बीच का रास्ता निकाले, लेकिन मीडिया ने तलवे चाटने का काम जो है वो अपने हिस्से में ले लिया है, और सवाल पूछने का काम जो है वो कब्र खोद करके उसके अंदर दफना चुके हैं। और इसीलिए रक्षित जैसे लोगों का दम घुट रहा है मीडिया के अंदर, और ये लेकिन जो सब्र का बांध है वो फूट जाता है जब अपने ये लोगों के बीच में आप होते हो, उनको परेशानियों से तड़फता हुआ जब आप देखते हो लेकिन उनकी खबर को दिखा नहीं सकते, और जब आप खबर बना करके भेजते हो और उसके बाद में मीडिया में कोई चलाता नहीं है, उसको काट देते हैं। हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक आएगा वो चलेगा, शाम को आपकी खबर नहीं चलेगी। उस वक्त में रक्षित जैसे पत्रकारों का सब्र का बांध टूट जाता है और फिर वही होता है जो आज हुआ है। रक्षित को वाकई सलाम है, सलाम है, सलाम है। उसने जो किया है उसने एक बड़ी लकीर खींच दी है, लेकिन एक बड़ी बात मैं कहूंगा और दावे के साथ कहूंगा, बड़ी बात यह है कि जितने भी मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, इस बात को ध्यान से सुने और जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात कह रहा हूं, जितने भी मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वहां पर बाकायदा गाइडलाइन है कि आप सोशल मीडिया पर क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में बाकायदा गाइडलाइन बनी हुई है। लेकिन अब जब ये रक्षित का जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद में एक नया जो है वो सर्कुलर आएगा, और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, और 1-2 दिन के अंदर जो है वो सर्कुलर भी लीक होगा और वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर ये कहा जाएगा कि अगर कोई भी पत्रकार इस तरह से सार्वजनिक रूप से किसानों के मंच पर या दूसरे मंच पर जाकर के चैनल का आईडी हाथ में लेकर के अगर नौकरी छोड़ेगा और चैनल के ऊपर यह आरोप लगाएगा कि उसको सच दिखाने से रोका जा रहा था, तो उसके ऊपर डेफिमेशन का केस जो है, मान हानि का केस जो है लगाया जाएगा। यह सर्कुलर भी ये चैनल वाले निकालेंगे पत्रकारों को दबाने के लिए, उनका गला घोटने के लिए। लेकिन याद रखिए,
जो चीज जितनी मजबूती के साथ में दबाई जाती है उतनी ही ताकत के साथ में वो चीज खुलती भी है, और वो जिस दिन खुलेगी मीडिया चैनल वालों के पास में कुछ जो एंकर हैं जो आपको नजर आते हैं 3-4 एंकर, केवल वही बाकी रह जाएंगे, बाकी पीछे जो है जो पर्दे के पीछे जो सब काम देख रहे हैं, जो रिपोर्टर खबर पहुंचा रहे हैं, वो सब गायब हो जाएंगे। इस बात को मीडिया वालों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये सर्कुलर की बात जो मैं कह रहा हूं ये भी 1-2 दिन के अंदर जो है ये खबर लीक होगी और वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल रक्षित ने जो किया है एक बार फिर से उसको सलाम है, और इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, मीडिया के उन तमाम साथियों तक पहुंचाइए जो अपने अपने पेशे पर गर्व कर सकें और मेहनत ईमानदारी के साथ में और मजबूती के साथ में काम कर सकें। धन्यवाद रक्षित। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।